सीबीए क्या है जिसके आप चेयरमैन? ये सीबीए जो है इसको हम कहते हैं कॉमनवेल्थ बार एसोसिएशन, ये बेस्ड ऑफ इंग्लैंड है। जब हमारी वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो वो लिंक हो जाएगी डायरेक्ट एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी के साथ। ओके, राइट, ताकि उनका ये कंसेप्ट जो है या कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। इसकी मेंबरशिप वकील लेंगे सीबीए की, तो क्या उन्हें कोई चंदा वंदा भी देना पड़ेगा? पर ईयर की मेंबरशिप फी होगी जो उन्हें पे करनी है। अगर 15,000 पर ईयर आप एलएलएम की फीस पे कर रहे हैं तो उसके साथ एक्सपेंसेस भी हैं, वो भी ऑलमोस्ट 6-7,000 पड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम फन और वकील जस्ट वन टीवी, और मैं आपकी होस्ट एडवोकेट नरगिस नाहिद। नाज़िम, आज स्टूडियो में हमारे दोस्त, हमारे भाई लंदन कौंसल जनाब मोहतरम सैयद शाहिद मंजूर एडवोकेट हाई कोर्ट तशरीफ़ फरमाए हैं। इंग्लैंड में होते हैं और वहाँ पे उन्होंने सीबीए एक वो भी बनाया हुआ है, और यानी बड़े काम करते रहते हैं वकीलों के लिए। पाकिस्तान में आए हुए थे, अब ये इलेक्शन के बाद जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट का अक्सर आके वोट ही है यहाँ पे, अपने दोस्तों को कास्ट करके फिर जाते हैं। वहाँ पे भी प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपर्टी जो है उसमें है इनकी स्पेशलिटी, ज़्यादातर वो काम करते हैं, ये इमिग्रेशन जो है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने सोचा कि उनके बड़े बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे जो वो चाह रहे थे कि वकीलों के लिए हम कुछ करें। यानी सम टाइम वो ये भी सोच रहे थे कि मैं क्यों ना एलएलएम यहाँ पे, हम यहाँ पे कॉलेज बनाए, और वो एलएलएम जो एफिलिएटेड इंग्लैंड से हो, बैरेट लॉ इसी तरह सेम, क्योंकि बैरेट लॉ ज़ाहिर है आपको भी पता है कि मैंने तो वैसे बैरेट लॉ का बड़ा ख्वाब देखा था कि मैंने बैरेट लॉ करना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट लाइफ में वो जब शादी हुई, बच्चे हुए, तो बच्चों में बैरेट लॉ हो गया, भाग दौड़ में पता नहीं चला। लेकिन अब बड़ी मैं खुश हुई, मैंने बल्कि इन्हें कहा, मैंने कहा जी बैरेट लॉ की तो स्टूडेंट मैं खुद भी बनना चाहूँगी। तो आए शाह साहब से पूछते हैं कि वहाँ पर ये क्या क्या करते हैं अपने दोस्तों के लिए, वकीलों के लिए, और ये क्या मज़ीद करने का अज़्म भी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड वेलकम टू जस्ट वन टीवी। थैंक यू सो मच। और ये अच्छा सर, मैंने ये अभी थोड़ा सा जैसे मैंने बताया है कि वहाँ पर आप इंग्लैंड में प्रैक्टिस करते हैं, तो कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं इंग्लैंड? मैं डिप्लेक्स सॉलिसिटर में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, तो उसमें मैं प्रॉपर्टी लिटिगेशन और इमिग्रेशन का काम करता। अच्छा, प्रॉपर्टी लिटिगेशन और इमिग्रेशन का। अच्छा, राइट राइट, वेरी नाइस। अच्छा, तो ये अब ये जो एलएलएम का आपका एक प्लान है, वो क्या प्लान है बैरेट लॉ का भी साथ साथ? मेरा एक प्लान है कि मैं यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करूँ। अच्छा। जिसमें हम एलएलबी और एलएलएम और बीवीसी, जिसको हम बैरेट लॉ कहते हैं, वो प्रोग्राम है शुरू करने का। अच्छा, ठीक है ठीक है, एफिलिएटेड विद इंग्लैंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर? No. क्योंकि लोग हमारे बेचारे डर जाते हैं कि अल्लाह रहम करे कोई खुदा ना खास्ता फ्रॉड ना हो जाए, हम पढ़ते चले जाएं और बाद में पचा दें। जैसे पिछले दिनों में कुछ हुआ था ना कि हमारे बाद लोगों ने, तो उन्होंने बेचारों ने डॉक्टरेट कर ली, पीएचडी की बैरेट लॉ के, लेकिन बाद में पता चला कि यूनिवर्सिटीज़ वो एफिलेटेड थी ही नहीं। अब उनका क्या, उनका पैसा भी गया, उनका टाइम भी गया, और जो शोहरत को नुकसान पहुंचा वो अलग से। तो ऐसा क्या, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब हम हमारी वेबसाइट पे कोई क्लिक करेगा जी, तो वो हमारा जो इंस्पायर ग्रुप है उसका लिंक वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चला जाएगा। अच्छा, ओके, ठीक है। इसलिए हम ये जो कंसेप्ट है कि कहीं कोई फ्रॉड ना हो, हम डिग्री लेने के बाद हमें प्रॉब्लम ना हो, वो ऐसा हमारा ऐसा आप ना कोई प्लान है और ना में इस तरह का सोच ऐसा हुआ। यानी ये कि अगर वो वहाँ पे आप देखें कि नेट पे बैठेंगे, उसको जब क्लिक करेंगे तो वो सारी चीज़ें वो उनके सामने आ जाएंगी जी, उन्हें तो पता चल जाएगा कि ओरिजिनलिटी कहाँ कहाँ भाई है, कोई फ्रॉड नहीं है जी। जब हमारी वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो वो लिंक हो जाएगी डायरेक्ट एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी के साथ। ओके, राइट राइट, ताकि उनका ये कंसेप्ट जो है या कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो आपकी वेबसाइट सर वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन? अच्छा अच्छा, वो जो आप यहाँ पे जो जब आप इंस्टीट्यूशन एक डेवलप करेंगे। अच्छा सर, ये सीबीए क्या है जिसके आप चेयरमैन जी? ये सीबीए जो है इसको हम कहते हैं कॉमनवेल्थ बार एसोसिएशन, ये बेस्ड ऑफ इंग्लैंड है, ठीक है। तो ये हमने ऑलमोस्ट इसमें जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उसमें जो लॉयर्स, प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, उसको हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करना चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक। ताकि उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत से इश्यूज हैं लीगल सेक्टर में, जिस तरह के आप देखें, अब मैं इंग्लैंड में गया, मुझे हर चीज़ नए सिरे से करनी शुरू करना पड़ी। इसी तरह हम चाह रहे हैं कि जो नए यंगस्टर आने वाले हैं या नई जनरेशन है, उनको एटलीस्ट जो प्रॉब्लम हमने फेस की है वो ना उनको करने पड़े, ना हो। तो उसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को और दूसरे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनको हम ये फोर्स करना चाह रहे हैं कि ये जो एलएलबी का करिकुलम है इसको अपग्रेड करें, ओके, जो वेस्टर्न के बराबर लेके आए, ठीक है, जो हमारे इस्लामिक सब्जेक्ट है, इस्लामिक जो रिस्पोंडेंट्स है या दूसरे हैं, वो एटली वो रहें, लेकिन जो रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट वो तो वेस्टर्न के बराबर हों। को हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाता है तो उसे ये प्रॉब्लम ना हो कि जी आपकी डिग्री जो इक्वलेंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म होनी चाहिए। तो दूसरा सीबीए का ये प्रॉब्लम जो हमने
और देखा इस प्रोफेशन में, स्पेशली एशिया में, कि लॉयर्स का प्रोफेशनल कंडक्ट के हवाले से अच्छा कोई इतना ज़्यादा जो है ना वो बार काउंसल्स इसको कंप्लायंस के हवाले से चेक नहीं करती, रेगुलेट नहीं करती। तो इसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि यही चीज़ें हैं, प्रोफेशनल कंडक्ट एक प्रॉपर सब्जेक्ट हो एलएलबी में, ताकि जो नए आने वाले लॉयर्स हैं उनको पता हो कि हमने प्रोफेशन में कैसे एक्ट करना है। और इसके साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सीबी है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जो वर्कशॉप्स हैं डिफरेंट यंगस्टर की वो करवाएं, ताकि वो दो दो तीन तीन साल के बाद उनको पता ही नहीं होता कि हमने ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, हम लिटिगेशन का प्रोसेस कैसे होता है, सिविल लिटिगेशन को कैसे करना है, क्रिमिनल लिटिगेशन कैसे करनी है। तो ये चीज़ों के लिए हम यंगस्टर के लिए स्पेशल सीबीए जो है ये एक वर्कशॉप का हर साल में दो दफ़ा अरेंज किया करेगी। अच्छा। और अपने मेंबर्स को स्पेशली वो इन्वाइट किया करेंगे इंग्लैंड में, और वहाँ पर इनकी वर्कशॉप 2 वीक की 3 वीक की रखा करेंगे, ताकि उनकी स्किल जो प्रोफेशनल स्किल जो है वो एनहांस होती रहे। अच्छा, यानी ये है कि जिसमें इसको जैसा कि जो मेंबरशिप लेंगे इसके सीबीए की जी, वो यहीं पे रहेंगे पाकिस्तान में रह के, जैसे वकील हैं करेंगे तो वकील ही सारे ना प्रोफेशनल लॉयर्स, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि उनकी वर्कशॉप करवाने के लिए आपने इंग्लैंड भी बुलवाया करेंगे, जो 4 वीक की, ऑलमोस्ट 4 या 6 वीक की, 4 वीक की, 3 वीक की होगी, हाँ, डिपेंड करता है, 3 वीक या 4 वीक की ये वर्कशॉप होगी, जिसमें कि थोड़ा सा यानी आई मीन कि आपका मतलब है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे लोगों के साथ कम्पीट तो कर सके ना एटलीस्ट, इसीलिए वहाँ के जो लॉयर्स हैं, फिर यहाँ पे बाकी ठीक है कि जब यहाँ से एक वकील बन के बंदा जाता है, या हमारे यहाँ सर सारे शोबों में आप देखें, वहाँ पे जाके उन्हें एक और एग्जाम, बड़ा मुश्किल एग्जाम देना पड़ता है, और वो उस पे फिर वो पूरे नहीं उतरते, पूरे नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे उनकी कोई उस लेवल की ट्रेनिंग हुई नहीं, ट्रेनिंग नहीं हुई। तो नाज़रीन, ये जो शाहिद साहब का इनका जो शाह साहब का मेन मोटिव है वो यही है कि यहाँ पे भी एडवोकेट्स की उस लेवल की ट्रेनिंग हो कि जब बाहर जाके वो अपना एग्जाम दें तो वो उसमें क्वालिफाई कर लें, यानी उसमें ये ना हो कि खुदा ना खास्ता एम्बेरसमेंट हो कि यहाँ तो हम बड़े जनाब एडवोकेट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बन के बैठे हुए हैं, और वहाँ जाके अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें हम क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए तो हमने इस प्लेटफॉर्म को जो एस्टेब्लिश किया है, ताकि यंगस्टर और नए दोस्त जो हैं उनके लिए उनकी प्रोफेशनल स्किल को हम पॉलिश कर सकें। तो इसके लिए हमने फिर अरेंज किया कि हम हर साल में वर्कशॉप्स करवाएं। अच्छा। और उसके साथ हम हर साल एक बहुत बड़ी वर्कशॉप जो है वो उसके एक्सपेंसेस सीबीए बर्दाश्त करेगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बाकी जो तो टिकट ये जो है, ये जो वकील आप इसकी मेंबरशिप वकील लेंगे सीबीए की, तो क्या उन्हें कोई चंदा वंदा भी देना पड़ेगा हर मंथ के? नहीं, नहीं, उनकी पर ईयर की मेंबरशिप फी होगी जो उन्हें पे करनी है। वो कितनी है जी? 50 पाउंड। 50 पाउंड ये हमारे पाकिस्तान 10,000। अच्छा, ये पर एनम है? पर एनम है। अच्छा, ये साल के बाद 10,000 उन्हें पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा जो मेंबरशिप लेंगे इसकी। लेकिन उसमें उन्हें ये फायदा होगा कि ना सिर्फ अपने मुल्क में आप यहाँ पे, बल्कि बाहर भी जाएंगे, वहाँ वर्कशॉप करेंगे, दोस्तों से मुलाकात होगी, इस तरह इंटरेक्शंस बढ़ते हैं ना सर। फिर इसके साथ साथ हम एक एवरी ईयर जो है ना, हम एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाएंगे। अच्छा। जिसमें ओवरऑल कॉमनवेल्थ कंट्री के लॉयर्स शामिल हों, ताकि वो एक दूसरे के साथ अपने लीगल सिस्टम के मुताबिक आइडियाज़ शेयर कर सकें, एक दूसरे के साथ अपने करिकुलम के हवाले से या अपने प्रोफेशनल के हवाले से अपने आइडियाज शेयर करेंगे, एक दूसरे से लर्न करेंगे उसके लिए। और फिर नेक्स्ट ईयर आई होप के वी आर गोइंग टू बी अरेंज वन सेमिनार जिसमें हम चीफ जस्टिस साहब को नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, फ्राम अदर कंट्रीज, फ्राम कॉमनवेल्थ कंट्रीज, inviting them to England. अच्छा, और ये आप वर्कशॉप वहाँ पे करवाएंगे, इंग्लैंड में करवाएंगे वर्कशॉप? इंग्लैंड में करवाएंगे। तो जो बड़ी कॉन्फ्रेंस है वो वंस टाइम ईयर हुआ करेगी। अच्छा। वो डिफरेंट कंट्रीज में होगी। अच्छा, वो कहीं पे भी हो सकती है? वो कहीं पे भी हो सकती है। वो नेक्स्ट ईयर इंग्लैंड में हो रही है, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया में ले जाएंगे। हाँ। और उससे नेक्स्ट ईयर कनाडा में ले जाएंगे। अच्छा। या अमेरिका में ले जाते हैं, या किसी और कंट्री में, पाकिस्तान में ले आते हैं, या श्रीलंका में। तो उसी वर्कशॉप में फिर आप अपने जो इसके मेंबर होंगे, मेंबर्स होंगे, हाँ, वो आप उन्हें बुलवाएंगे? हाँ जी, उनको बुलवाएंगे और वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो टिकट के पैसे कौन देगा? वो खुद बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, यानी वो ट्रैवलिंग के जो अखराज आते हैं, यानी वो जो आने जाने का खर्चा, वो खुद बर्दाश्त करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो स्टे करेंगे, जो स्टे होगा या उसके वर्कशॉप, वो सीबीए की तरफ से उनको। अच्छा जी। अच्छा सर, ये जो एलएलएम वहाँ से एफिलिएटेड है, इसकी फीस जरा, फीस मुनासिब हो? मैं तो कहती हूँ यहाँ पे लोग अफोर्डिंग तो हो रहा है। देखें, एलएलएम जो है इंग्लैंड में इस वक्त 14-15,000 पर ईयर कास्ट कर रहा है। अच्छा। एलएलएम होता भी 1 ईयर का, ऑलमोस्ट 15 मंथ्स का वीज़ा देते हैं, लेकिन होता 1 ईयर। लेकिन खैर, मैंने तो यहाँ पे किया है
जो सारे ना वो उसके सेमेस्टर्स बने हैं और वो यानी 2 years में मैंने किया है एलएलएम। नहीं वो पाकिस्तान में थोड़ा 2016-18 के मेरा सेशन था। पाकिस्तान में डिफरेंट है, इंग्लैंड में डिफरेंट है। अच्छा, लेकिन उसकी फीस वहाँ पे आपको देखें अगर 15,000 पर ईयर आप एलएलएम की फीस पे कर रहे हैं तो उसके साथ एक्सपेंसेस भी हैं, वो भी ऑलमोस्ट 6,000-7,000 पड़ जाते हैं। तो ये मोर देन 20,000 pounds कास्ट करता है एलएलएम इंग्लैंड से। अच्छा, आपने फीस कितनी रखी है, जो रखेंगे कितनी फीस रखेंगे ले ले? हम इसके लिए तकरीबन ऑलमोस्ट 6-7,000 रख रहे हैं। गुड, पाउंड 6-7,000 pounds पाकिस्तानी कितने बने? ये तकरीबन 13-14 lakh बनते हैं। हाँ, 13-14 lakh। और बैरेट लॉ का क्या करेंगे सर? बैरेट लॉ तो मेरे भी करना है जी। बैरेट लॉ के वाले से हम यहाँ पे उनको सिर्फ लाइक ट्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि उनको उनके एजुकेशन को और उनके क्योंकि बारह टला एक्चुअली प्रोफेशनल डिप्लोमा है। हाँ, डिग्री नहीं है, एलएलएम जो है वो डिग्री है, बारह टला डिग्री नहीं है, वो एक प्रोफेशनल कोर्स है। उसमें एडवोकेसी है, सिविल लिटिगेशन है, क्रिमिनल लिटिगेशन है, तो प्रोफेशनल एथिक है जो प्रोफेशनल एथिक्स उसमें जरा ज्यादा है ज्यादा। तो वो आपने कहा है ना कि आखिरी जो डिनर है वो वहीं पे जाके अटेंड करेंगे स्टूडेंट, वो आखिरी एग्जाम भी उनका वहीं पे होगा। हाँ, डिनर अच्छा, भी एग्जाम भी वहीं पे होगा और वो जो आखिरी जो डिनर है वो ही जो एक दो डिनर जो कहते हैं वो भी उनको इंग्लैंड में जाकर एथिक्स वगैरह जो वहीं पे वो इंग्लैंड में जाकर करने पड़ेंगे। हम सिर्फ उनको यहाँ पे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पूरा स्टाफ रखेंगे, फैकल्टी रखेंगे आप जी? अब जाहिर है कि बंदा खुद तो टकरे वकरे ना मारता रहे, ऐसा तो नहीं होगा ना, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर क्वालिफाइड, बल्कि हम उसमें कुछ स्टाफ जो इंग्लैंड से भी हायर करेंगे जो एडवोकेसी के वाले से, क्योंकि अभी रिसेंटली आप 2-3 साल से देखें उन्होंने प्रोफेशनल एथिक को चेंज किया है, जिसकी वजह से एशियन स्टूडेंट मोस्टली पास नहीं हो रहे ना। सम स्टूडेंट जो हैं वो एडवोकेसी में पास हो जाते हैं, जब वो प्रोफेशनल एथिक में जाते हैं वो पास नहीं हो रहे, पास नहीं हो रहे, क्योंकि उसमें उस पर आपने वर्क करना है कि ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ाएं ताकि जो नए हमारे न्यू कमर्स हैं, मेल फीमेल हमारे लॉयर्स हैं, उनको कोई डिफ़िकल्टी ना हो और वो बड़ी आसानी के साथ ये सारे जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करें और अपने शोबाए वकालत में कार हाय नुमाया अंजाम दे जी। इसीलिए हम ये सेटअप बना रहे हैं ताकि इनके प्रोफेशनल स्किल को किसी ना किसी तरह प्रोफेशनल स्किल को पॉलिश करें, ताकि वो ओके पॉलिश करें जी, ताकि वो क्वालिफाई कर सकें हर जगह पे। अब वहाँ से मैं देख रहा हूँ काफ़ी दोस्त आए हैं, देख यहाँ पे आके माहौल ही कैसा क्रिएट हुआ होगा, वो भी आके यहाँ के मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाए। हाँ, लेकिन ये कि चले वो तो सर प्रोफेशनल एथिक्स तो होने चाहिए। थोड़ी देर पहले भी हम यही बात करें कि ये बात बड़ी ज़रूरी है क्योंकि वी आर ऑल पोस्ट ग्रेजुएट्स, आप देखिए वकील सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। yes, तो ये सारे एक क्रीम सोसाइटी है और क्रीम सोसाइटी में प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो बड़े बस्ट है। एथिक्स तो ऑलमोस्ट सारे होने चाहिए, सोशल एथिक्स भी होने चाहिए ना, सोशल एथिक्स भी पढ़े लिखे लोगों में होने चाहिए, क्योंकि आमतौर पर खुदा ना खास्ता कोई थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, जो ज़रा ज़्यादा पढ़े लिखा लोग उनसे ज़्यादा अच्छे एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसलिए सर ने खुद भी एलएलएम किया हुआ है, आपने एलएलएम किया हुआ है और 12 क्लास जो है वो मेरा कंप्लीट है, सिर्फ मेरे ट्यूटर ही रहती है, लेकिन मेरिट लॉ मैंने भी करना है। एजुकेशन में भी आपने मास्टर्स किया हुआ, इसलिए आपका एजुकेशन की तरफ भी एक रुझान है और आप पढ़ाते हैं। तो चले सर, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको आपके नेक मकासद में कामयाब करे, बल्कि जहाँ कहीं हमारी ज़रूरत पड़े, आपको हमारे चैनल की ज़रूरत पड़े, और मोस्ट वेलकम, आप तशरीफ़ लाएं और इस चैनल के हवाले से आपके प्रोग्राम जो होंगे जो हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं यकीनन हम हाईलाइट करेंगे, क्योंकि हमारा तो काम यही है ना कि वकीलों के साथ रिलेटेड है हम, और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हमारी फैमिली है, ये फैमिली, तो हम फैमिली के लिए हम यही करते हैं ना कि फैमिली की वेलफेयर के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप भी वही सोच रहे हैं, हम भी वही सोच रहे हैं, और जो मैं कहती हूँ मुखलिस बंदा है वो यही सोचता है कि फैमिली का हर पर्सन जो है वो एक अपनी अपनी जगह पर नगीना हो और वो बड़ा खूबसूरत तरीके से अपना काम अंजाम दे रहा हो, ताकि खुदा ना खास्ता कहीं एम्बेरसमेंट का सामना मिले। सही कह रहे हैं, क्योंकि जब पाकिस्तानी बींग पाकिस्तानी हम फील करते हैं कि खुदा ना खास्ता कहीं एम्बेरसमेंट होती है, तो हमें लगता है हमारी एम्बेरसमेंट नहीं। देखिए, जब हम वेस्ट में जाते हैं या किसी और यूरोप कंट्री में जाते हैं तो हम दो चीज़ों को प्रेजेंट कर देते हैं एज ए नेशन, पाकिस्तानी, वो किसी पर्सनल को नहीं जानते, वेर आर यू फ्रॉम, पाकिस्तान, बाद में आपका नाम पूछेंगे, ठीक है ना। तो सेकंड थिंग रिलीजियस के हवाले से, तो इसलिए हमें इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करना है कि हमें किस तरह हम इंटरनेशनल लेवल पे अपनी डिग्निटी को और अपनी नेशनलिटी को प्रमोट करते हैं और उसके वकार को बहाल रखते हैं। चले सर, आज तो हमने बड़ी इमरजेंसी में आपको बुलाया, मैंने कहा चले थोड़ा सा इनका प्रोग्राम हाईलाइट हो ताकि दोस्तों तक पहुँचे, और अगर वो रबता करना चाहे तो जस्ट वन के थ्रू वो रबता कर भी सकते हैं शाह जी के साथ।
और लेकिन इंशाल्लाह दोबारा सर आपको बुलाएंगे, आप पूरा अपना मैनिफेस्टो जो भी आपका है, आपका वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑलमोस्ट, उसको आप लेके आएंगे जो कि हम लोगों के साथ, हम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उसको भी हाईलाइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट मैंने दो बार में शेखपुरा और फिरोजवाला में डिलीवर किया है। चलो इंशाल्लाह हम जस्ट वन पे जब डिलीवर करेंगे तो वो फिर सारे लोग ही देख लेंगे, क्योंकि माशाल्लाह इसकी मिलियंस में व्यूअरशिप है और लोग फिर उसको देखेंगे भी, और हम चाहते हैं कि एक अच्छा काम है जो कि हाईलाइट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। तो नाज़रीन आज का ही हमारा प्रोग्राम जहाँ मोहतरम सैयद शाहिद मंसूर एडवोकेट हाई कोर्ट उनके साथ था फ्रॉम इंग्लैंड, तो आपको अच्छा लगा होगा। इसके मामले में अगर कुछ भी आपने मालूमात लेनी है, पूछनी है, जस्ट वन के थ्रू आप बात कर सकते हैं। हम दोबारा भी इन्हें बुलाएंगे जो कि सैर हासिल इस पे बहस होगी। आज तो मैं ज़रा सा इंट्रो चाहती थी कि इंट्रो हो जाए ताकि आपको ये बात पहुंच जाए कि ये काम हमारे यहाँ होने जा रहा है। तो इसके साथ ही जनाब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।